मेरठ के एक बहुत ही अच्छे अम्बेडकराइट वर्कर हैं, उनसे व्हाट्सएप पर एक दिन बात हो रही थी। एक वीडियो उन्होंने देखा, किसी प्रश्न के जवाब में मैंने वीडियो भेजा था, उन्होंने उस वीडियो के जवाब में काफ़ी बातचीत हुई और फिर उन्होंने लास्ट में कहा कि धम्म क्या होता है। मैंने उनको कहा कि मैं जल्द ही आपको धम्म बताऊंगा, बड़ा विषय है, इसलिए वीडियो बना के जवाब दूंगा, अच्छा रहेगा। व्हाट्सएप पे टाइप करने में बहुत टाइम लगता है और बड़ा मुश्किल होता है। पूरे पाली साहित्य में धम्म सबसे बड़ा शब्द है। पाली साहित्य से पहले भी धम्म बहुत बड़ा है, आज भी धम्म बहुत बड़ा है। जब तक ये यूनिवर्स रहेगी, जब तक ये पूरा का पूरा जो लोकोत्तर है, यानी कि शरीर के बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं पूरी दुनिया में, शरीर से बाहर यानी लोक से बाहर, लोक से उत्तर या लोक से परे, लोक शरीर को बोलते हैं, तो ये यूनिवर्स हो गया। इस पूरे पूरे जगत में या संसार में धम्म शब्द हमेशा रहेगा, चाहे मनुष्य रहे या ना रहे, चाहे जीव रहे या ना रहे, चाहे कोई भी संरचना आती रहे, कोई भी जाती रहे, धम्म कभी खत्म नहीं होगा, धम्म कभी नहीं मरेगा, धम्म बिल्कुल अजर और अमर है। धम्म बुद्ध से भी बड़ा है, क्योंकि जैसा कथाओं में कहानियों में बताए जाते हैं कि 27 बुद्ध पहले हुए, 28वें सम्यक संबोधि गौतम बुद्ध थे और बाकी आगे आते रहेंगे, और छोटे मोटे तो बुद्ध बहुत सारे लोग हुए हैं, 25 बुद्ध हैं, अर्हत हैं, ये बहुत सारे लोग हुए हैं, सभी जगह हुए हैं। एक बुद्ध के नाम से ना हो मगर बुद्ध जैसे गुणों से बहुत सारे लोग हैं। जो धम्म को सीख लेता है, धम्म को धारण कर लेता है, धम्म को सिद्ध कर लेता है या धम्म को जान लेता है, वो व्यक्ति बुद्ध होता है। सिद्धार्थ तब तक बच्चे थे, तब तक शुद्धोधन के पुत्र थे, जब तक धम्म को नहीं जाने। जब वो पेड़ के नीचे बैठ के और धम्म को समझ गए, धम्म को जान गए, धम्म का सही रूप उनकी निगाह में आ गया, तब वो बुद्ध बने। यानी कि जो धम्म को धारण करता है वो बुद्ध बनता है। बुद्ध का मतलब है जो हाईएस्ट नॉलेज, हाईएस्ट इंफॉर्मेशन, जो उच्चतम ज्ञान है प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर, उसको जान ले, उसको बुद्ध बोलते हैं। या ऐसे बुद्ध जैसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं अलग अलग भाषाओं में। तो धम्म सबसे बड़ा हुआ। बेसिकली धम्म की छोटी मोटी हजारों लाखों परिभाषाएं लोगों ने अपने हिसाब से गढ़ी हुई हैं, मगर जो प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से जो धम्म बोला जाता है, उसका मतलब है धम्म धा से बना हुआ है। धा का मतलब है ऑक्यूपाइड करना, धारण करना, ग्रहण करना। क्या ग्रहण करता है, कौन ग्रहण करता है, कैसे करता है ग्रहण, कैसे उसको एक्सेप्ट करता है, ये बहुत सिंपल सा सिद्धांत है। नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी मटेरियल हैं, चाहे वो वेव्स के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में, तरंग के रूप में है, चाहे वो अणु परमाणु के रूप में है, चाहे अणु परमाणु से बने पिंड हैं, चाहे अणु परमाणु के पार्ट हैं, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, हजारों तरह के पार्टिकल उसके अंदर हैं, उन सब का चलने का, यानी कि उनके चिपकने का, उनके अलग होने का या उनके चलने का एक नियम फिक्स है, जो प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक सिद्धांत है, नैसर्गिक सिद्धांत है, वो बदलता नहीं है कभी भी। अगर वो बदलेगा भी तो उसके बदलने का भी नियम फिक्स है। जैसे पानी है, पानी को अगर आप गर्मी देंगे तो उसका नियम फिक्स है कि वो भाप बन के उड़ जाएगा, और उस भाप को अगर आप उसका टेम्परेचर निकाल देंगे, उसको ठंडा टेम्परेचर देंगे, तो उसका नियम फिक्स है कि वो दोबारा से पानी बन जाएगा, और उस पानी को अगर और टेम्परेचर आप निकाल लेंगे उसका और उसकी गर्मी निकाल लेंगे तो वो जम जाएगा, उसका नियम फिक्स है। और जब वो 4 डिग्री तक आ जाएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी कि ग्लास में आपने पानी भरा और फ्रिज में रखा, और जैसे ही वो 4 डिग्री टेम्परेचर पर पहुँचेगा तो वो बढ़ जाएगा, फिर वो ग्लास से बाहर ऑटोमेटिक निकल आएगा। ये सिद्धांत प्रकृति के अपने आप बने हुए सिद्धांत हैं, इन सब के कारण होते हैं। किसी का टेम्परेचर यानी तापमान गर्मी बढ़ा के, किसी को दबा के, यानी मिट्टी जो पहाड़ों से आती है और जिसको पानी बारिश का लेके आता है, जो नदी के रूप में, रिवर के रूप में बहती है, और जब वो समुद्र में धीरे धीरे जाती है तो मिट्टी के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर मिट्टी आती है, तो उसको सेडिमेंटेशन रॉक बोलते हैं। यानी वो पहाड़ में, पत्थर में कन्वर्ट हो जाती है, दबाव के कारण वो पत्थर बन जाता है। ये प्राकृतिक नियम
इसका कोई टाइम लिमिट कहीं भी नहीं है। बुद्ध ने कोई टाइम लिमिट और फ्रेम कभी नहीं बताया, टाइम के डायमेंशन के बारे में कोई बात उन्होंने कभी नहीं की। इसलिए ये कहना कि धम्म क्या है, एक बहुत सीधा सा सरल सा इसका आंसर है कि जो होता है वो एक नियम से बंधा हुआ होता है, उसको धम्म कहते हैं। यानी जो प्राकृतिक है, जो सिद्धांतिक है, जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, जो फिलॉसफी है उसके चिपकने की और उसके हटने की। जैसे हम मनुष्य हैं, जब हम पैदा होते हैं तो बहुत छोटे से एक पार्ट से हम पैदा होते हैं, जिसमें एक सॉफ्टवेयर आता है और एक हार्डवेयर आता है। और हम धीरे धीरे मटेरियल जो हम खाते हैं, पीते हैं, या जो एयर से हम हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, या जो एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर लेते हैं, उसके अनुसार हम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और फिक्स एक बढ़ने के बाद में फिर हम घटने शुरू हो जाते हैं। हमारा पानी शरीर का ख़त्म हो जाता है, हड्डियाँ दिखाई देने शुरू हो जाती है, हमारे दांत टूटने शुरू हो जाते हैं, हमारी जो नसें हैं वो दिखाई देने शुरू हो जाती है, बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, शरीर पर हड्डियाँ आने शुरू हो जाती हैं, रंग हमारे बेकार हो जाते हैं, चमक हमारी फीकी पड़ जाती है। फिर हम कितना भी खा लें, कितना भी पी लें, फिर वो शरीर में मांस नहीं जुड़ता। और धीरे धीरे हम डीके होने लगते हैं, हमारा कोई ऑर्गन या कोई पार्ट जो ज़्यादा क्षय हो जाता है, ज़्यादा जिसका नुकसान हो जाता है, वो फेल हो जाता है, और फिर शरीर पूरा बंद हो जाता है। ये प्रिंसिपल नैसर्गिक है जो प्रकृति ने करोड़ों साल में जाके बनाया है। मांस से मांस यानी कि पदार्थ से पदार्थ चिपकता है और पदार्थ से पदार्थ हटता है। दुनिया में जब क्रिएशन होता है, पैदा होता है, तो धम्म में मांस का चिपकना कारण से होता है, उसका पदार्थ का चिपकना कारण से होता है, और फिर जब मांस यानी जो पदार्थ है जब वो छुटता है, अलग अलग होता है, तो उसको हम डीके बोलते हैं, या उसको बोलते हैं क्षय, या वो खत्म हो रहा है, या मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। ये धम्म का सीधा सा सिद्धांत है। इसी धम्म के बारे में भगवान बुद्ध ने देखा कि कैसे चीज़ें आती हैं, कैसे जाती हैं। यानी दुख भी एक उन्होंने देखा कि कैसे शरीर में प्रविष्ट होता है और कैसे शरीर में वो काम करता है। यानी दुख का जो सॉफ्टवेयर आता है, दुख की जो तरंगें आती हैं, वो तरंगें हमारे शरीर पे कैसे प्रभाव डालती हैं। दुख कभी ऐसे नहीं आता, किसी ने आपको थैले में रख के 1 किलो दुख दिया और आप घर ले गए और सबको बांट दिया आपने कि 100-100 ग्राम सब लोग खा लो इस दुख को। दुख कभी ऐसे नहीं आता कि आपने दुख लिया और अलमारी में रखा हुआ है और वहाँ पड़ा हुआ है। दुख ऐसे कभी नहीं आता कि शरीर में से आपने कहीं कोई 50 ग्राम दुख है और वो निकाल के किसी को दे दिया कि हमारा दुख तो चला गया। दुख जब भी आता है या सुख जब भी आता है, वो तरंगों के रूप में आता है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आती है, और वो इन्फॉर्मेशन शरीर में कैसे काम करती है, वो जानकारी कैसे काम करती है, वो अंदर से कैसे काम करता है, ये बुद्ध ने देखा, ये जाना। और इसको समझने और जानने के बाद में फिर उन्होंने देखा कि शरीर कैसे काम करता है, कैसे बनता है, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। और जब उन्होंने अपने शरीर के सारे फंक्शन जान लिए, कैसे सुख आता है, कैसे दुख आता है, खाना कैसे काम करता है, सांस कैसे काम करती है, शरीर में ब्लड प्रेशर कैसे बनता है, कैसे घटता है, शरीर के अंग कैसे काम करते हैं, मल कैसे निकलता है, भोजन मल कैसे बन जाता है, ये बारीक से बारीक चीज़ें जब उन्होंने देख ली, और सबसे बारीक ये देखा उन्होंने कि मन कैसे काम करता है, कैसे हमें कोई गाली बकता है तो हमारे पूरे शरीर में कैसे करंट आ जाता है, कैसे ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाता है, और कोई अगर ये कहता है कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, या कोई प्रशंसा की बात करता है, तो कैसे हमारे शरीर में ये तरंगें उठती हैं जिनसे हमें बड़ा अच्छा अनुभव होता है। ये बारीक से बारीक बात देखने के बाद में उन्होंने अपने अंदर की सारी तरंगों को देखा, फिर उन्होंने लोकोत्तर यानी शरीर के बाहर देखा। तब उन्होंने कहा कि कपंतु कपोत, यानी कि सारी जगह कंपनी कंपन है, सारा मटेरियल कंपनी कंपन है, ये जुड़ता है, ये हटता है, ये जुड़ता है, ये हटता है, ये जुड़ता है, ये हटता है। धम्म के सबसे अच्छे जानकार भगवान बुद्ध बताते हैं। पाली भाषा में बुद्ध के इतने नाम, इतने शब्द नहीं है जितने धम्म के बारे में बताए हैं। यानी धम्म की महत्ता बहुत ज़्यादा है, धम्म बहुत है। बाद में लोगों ने क्योंकि धम्म को धर्म बना दिया और धर्म को जोड़ दिया अलग अलग घटनाओं से, अलग अलग बातों से, प्राकृतिक बातें एक तरफ हो गईं और जो बातें अप्राकृतिक थीं, यानी जो प्रकृति में नहीं थीं, जो मैन मेड थीं, जो मनुष्य ने बनाई हैं, उनको जोड़ के धर्म को बताने लगे, उनको जोड़ के धर्म को सिखाने लगे, और धर्म का फिर धंधा और व्यापार भी होना शुरू हो गया। बुद्ध के समय में धर्म का यानी धम्म का कोई भी धंधा या व्यापार नहीं होता था, कोई लेन देन, कोई पैसे का जोड़ तोड़ या कहीं कोई बिजनेस नहीं होता था। हम सभी मनुष्य को धम्म सीखना अनिवार्य होता था, और धम्म सीखते थे महिलाएं भी, पुरुष भी, और वो अपना जीवन सुखी बनाते थे। बाद में लोगों ने धम्म की प्रैक्टिस छोड़ दी, धम्म के बारे में जानना छोड़ दिया, और धम्म को ऐसे मानने लगे जैसे धम्म कोई वस्तु है, किसी ने दी और ले आए, या ये बता दिया तो धम्म हमें आ गया। धम्म के ऊपर बड़े बड़े व्याख्यान होने लगे, धर्म के बारे में चर्चा होने लगी, धर्म के बड़े सारे धुरंधर हो गए। धम्मधर कोई नहीं हुआ, बुद्ध जो थे वो धम्मधर थे। धम्मधर से
धुरंधर हो गया और धुरंधर में आदमी ये मानने लगा कि मैं सब जानता हूँ और सब पहचानता हूँ। धम्म बहुत छोटा और बहुत साधारण सा भी है और धम्म बहुत विशाल है और बड़ा भी है। हर एक मनुष्य में, प्रकृति की हर चीज़ में, अगर मैं अब समय ये बात कर रहा हूँ तो यहाँ भी धम्म काम कर रहा है, आप सुन रहे हैं यहाँ भी धम्म काम कर रहा है। आप बच्चे को प्यार करते हैं वो भी धम्म के अनुसार करते हैं, आप उसको डांटते हैं वो भी धम्म के अनुसार करते हैं। जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, उनको धम्म बोलते हैं। धम्म प्राकृतिक होता है, बड़ा होता है, इसकी हजार व्याख्या हो सकती है, इसकी हजार किताबें हो सकती हैं, इसकी हजार बातें हो सकती हैं, इसके हजार कोई विद्वान हो सकते हैं, इसके हजार लोग एक दूसरे के ऊपर अपनी विपत्ता झाड़ सकते हैं, मगर ये बहुत सिंपल सा और साधारण सा है। एक गरीब आदमी है वो भी धम्म के अनुसार काम करता है, एक जानवर है वो भी धम्म के अनुसार काम करता है, एक पेड़ भी धम्म के अनुसार काम करता है, पृथ्वी भी धम्म के अनुसार चलती है, मौसम भी धम्म के अनुसार चलते हैं, मनुष्य भी धम्म का है क्योंकि प्राकृतिक है मनुष्य बना, वो भी धम्म के अनुसार चलता है। हर दुनिया में कण कण और अणु अणु अपने धम्म के अनुसार चलता है, उसका अपना धम्म है जो फिक्स है, जो चेंज नहीं हो सकता। जब भी चेंज होगा, दो या दो से चार चीज या पांच चीज जब भी आपस में जुड़ेंगी मिलेंगी, उनका भी एक धम्म, एक सिस्टम, एक नियम, एक प्रिंसिपल होता है। इसी प्रिंसिपल को, इसी धम्म को लोग खोजते हैं, मटेरियल में खोजते हैं, जो सामान होता है उसमें खोजते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं, उसको मॉडर्न साइंस बोलते हैं, या उसको साइंस बोलते हैं, या उसको विज्ञान बोलते हैं, या उसको कहते हैं कि हमने ये इजाद कर दिया या पैदा कर दिया। प्राकृतिक रूप में सारी चीज़ें मौजूद हैं, सिर्फ उनको खोजना बाकी है। धम्म निरंतर अपना काम करता है, वो ना कभी से डरता है, ना कोई इसका पक्षपात करता है, ना उसके लिए कुछ छोटा है, ना उसके लिए बड़ा है। अगर धम्म के अनुसार पृथ्वी पर अर्थ को आएगा तो वो तभी आएगा जब टेक्टोनिक प्लेटों के अंदर कोई हलचल होगी, दबाव ज़्यादा होगा, या पृथ्वी के अंदर के मोशन ज़्यादा ऊपर नीचे होंगे, और जो उसके प्रभाव होंगे वो समान रूप से सभी के लिए बराबर होंगे। कोई भी अगर सुनामी आएगी तो वो तभी आएगी जब टेक्टिक प्लेटों में कोई ना कोई गड़बड़ होगी, कहीं ऊपर नीचे प्लेटें उठेंगी और हज़ारों गैलन पानी, हज़ारों लाखों गैलन पानी ऊपर नीचे होगा, तब वो पानी तट पर आता है और वो सबके लिए समान आता है। इसलिए धम्म सभी के लिए समान रूप से फ़ायदा भी देता है, नुकसान भी देता है। धम्म के अनुसार अगर आप जीवन जिएंगे, जीवन भर सुखी रहेंगे। अगर अधम के अनुसार चलेंगे, यानी जो प्राकृतिक बातें हैं उसके अगेंस्ट में चलेंगे, नेचुरल बातें हैं उसके अगेंस्ट में चलेंगे, तो अधम के अनुसार चलेंगे तो अधम के अनुसार ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। वो आपके लिए लग सकता है कि वो थोड़े से ठीक हैं या अच्छे हैं कुछ समय के लिए, मगर जो अधम्मिक लोग होते हैं, या जो अधम के अनुसार लोग चलते हैं, या जो अधम के अनुसार काम करते हैं, धम उनको जब ठीक करता है तो बहुत कष्ट होता है, फिर उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उनको समझ में नहीं आता, उनको लगता है हमने तो ये ठीक किया था, ये गलत कैसे हो गया। इसलिए अधम के अनुसार जीवन ना जिए, धम्म के अनुसार जिए। मनुष्यों को दबाना अधम है, मनुष्य को मारना अधम है, जानवरों को मारना अधम है, चोरी करना अधम है, जो व्यभिचार है उसको अगर मिथ्या व्यवहार करेंगे, झूठा व्यवहार करेंगे, वो अधम है। अगर सुरा शराब पियेंगे तो वो अधम है। किसी व्यक्ति का कोई सामान अगर चोरी करेंगे या ले जाएंगे, वो अधम है। कोई नियम आपको दिया हुआ है, अपने लालच में उसे तोड़ेंगे तो वो अधम है। देश को नुकसान पहुंचाएंगे तो वो अधम है। देश के सामान, देश के लोगों की सत्ता को, या देश के लोगों के संसाधन का अगर मिसयूज करेंगे तो वो अधम है। अधम और धम्म का आदमी को पता रहता है। धम्म बहुत छोटा भी है और धम्म बहुत विशाल भी है। धन्यवाद।